धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम नरसिंह देवला स्थित प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को लेकर विवाद और पुजारियों के खिलाफ ट्रस्टियों एवं राजनीतिक हस्तियों के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक बलात्कार जैसे अपराध में नाम डलवाने का षड्यंत्र रचे जाने का आरोप लगाकर क्षेत्रीय आदिवासी समाज एवं पुजारी के परिजन आज जिला पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जाँच के नाम एक ज्ञापन देने पहुँचे। दरअसल मामला धार जिले की तहसील सरदारपुर के ग्राम नरसिंह देवला का है। बताया जाता है कि प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में दिनांक 8 जून को दोपहर करीब 12:30 पर गोलू पिता बहादुर सिंह एवं वीरू पिता भील नामक दो युवक पहुंचे और वहां पर पंडित वीरेंद्र पांडे को जबरदस्ती ताकत के बल पर चाकू की नोक पर मोटरसाइकिल पर बिठाकर पास के गांव की सुनसान जगह ले गए और पहले से मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों की मौजूदगी में एक लड़की से खोटा काम करने को लेकर चाकू पिस्तौल लगाकर धमकाने लगे, जिस पर पंडित वीरेंद्र ने उक्त खोटा काम करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने पंडित के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना से जुड़ा CCTV भी लोगों ने पुलिस को सौंपा है, जिसमें कुछ लोग पंडित वीरेंद्र पांडे के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। उक्त घटना को ग्राम के रमेश पिता धन्ना भील ने भी देखा और बीच बचाव की कोशिश भी की, जिसके बाद गोलू और वीरू व दो अज्ञात व्यक्ति पंडित को अपनी बाइक पर बिठाकर पिस्तौल व चाकू लगाकर ले गए तथा सरदारपुर थाने में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। साथ ही पंडित वीरेंद्र के गुरु संतोष मिश्रा का भी नाम उक्त केस में झूठा दर्ज करवाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मामला ग्रामीण जनता व ट्रस्ट के लोगों के बीच मंदिर को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है, जिसमें ट्रस्टीगढ़ आदिवासी समाज को अपशब्द कहकर मंदिर में आने से रोकते हैं तथा भंडारे की प्रसादी से भी दूर रखते हैं और ग्रामीणों को मंदिर में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। वहीं मंदिर में भ्रष्टाचार सहित कई अवैध गतिविधियों के भी आरोप ग्रामीणों ने लगाए, जिसकी रंजिश में कई राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पंडित वीरेंद्र पांडे और उनके गुरु संतोष मिश्रा का नाम दर्ज झूठे प्रकरण को निरस्त किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार को मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, धार कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। मामला ये है कि हम नरसिंहदला ग्राम से आए हैं, वहाँ मेरे पति पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, तो वहाँ के ट्रस्टीगढ़ जो है वो हमारे खिलाफ़ जो है बहुत सारी साजिशें रचे जा रहे हैं। अब इस हद तक उन्होंने ये काम किया है कि कुछ गुंडे वो बुला के लेकर आए और वहाँ मेरे भैया भी पूजा करते हैं तो उनको उठा के लेके गए वहाँ से, और इस चीज़ का साक्ष्य हमारे पास पूरा है। और बिना हमारे जब हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे देखा, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और पुलिस थाने में भी लोग जो बोल रहे हैं, क्या रिपोर्ट डाली है सामने वाले, रेप केस का डाला है। और मेरे पति उस वक्त जो है संतोष मिश्रा, पंडित संतोष मिश्रा वहाँ पर मौजूद थे, मंदिर में मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ भी झूठी कार्रवाई इन्होंने FIR की है और मैं चाहती हूँ कि इस पर पूरी जाँच हो, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई की जाए। मेरी गाय है वहाँ पर, मैं पानी पिलाने गया था, मेरा खला है अलग गांव से थोड़ा दूर, मैं पानी पिला के गया था तो वहाँ से मैं बाल्टी और ये कुआ पे रख के डोर को पिला, पानी पिला के आया वापस थे और ये मार कूट कर रहे थे और मैं गया इनका पास, मैंने किया क्या हो गया, कह रहे इनने लड़की पकड़ ली, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं वो सामने वाले, क्या नाम है इनका, किसके साथ मारपीट कर रहे थे वो, पंडित का साथ में, एक का गोलू नाम है। आपने क्या किया फिर? तो मैंने किया फ़ोन, दो मैं कभी फ़ोन लगा दूँ अगर ये मारकूट कर रहे थे, एक पीरू नाम है। आपके साथ भी मारपीट करी? नहीं, मेरा सामने नहीं करी, मैं वहीं पे था और खड़ा रह गया, उन्होंने वापस चले गए, मैं दो धमकी दी, मारपीट काहे के लिए कर रहे थे वो, क्या माने किसी का नहीं, लड़की लाए थे वो ज़बरदस्ती और फ़ोन नंबर लिया था उसका पास, इनका पास कोई भी अलग स्थान कुछ भी नहीं और अलग ले गया था गांव से। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।